आप करें सच अलग अपार। हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाही। माया मो भरम पे भूले सुत दारास स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, हे मिलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास, एक अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो शरणाय। वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, गुरु वाहे गुरु, वाहे 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 गुरु वाहे
सजन सुहेले राखो राखनहार दयाला नानक कर के गोले नानक कर के गोले नानक कर दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अना शरण तुम्हारिया शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ सा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए जब ते शरण तुम्हारी आए शरण तुम्हारी राखो शरणाए गुरु रामदास राखो शरणाए गुरु रामदास राखो शरणाए गुरु रामदास राखो भक्ति लाए नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए गुरु रामदास राखो शरणाए गुरु रामदास राखो शरणाए शरणाई गुरु
शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट ले साथ तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट ले साधे Thank you.
सारे वाहे गुरु जपो वाहे गुरु जुड़ जा वाहे गुरु वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਇ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ, ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ, ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ, ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ, ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। Thank you.
मन रे प्रभ के शरण विचारो प्रभ के शरण विचारो मन रे प्रभ के शरण विचारो प्रभ के शरण विचार प्रभ के शरण विचारो प्रभ के शरण विचार मन रे प्रभ के शरण विचार प्रभ के शरण विचारो मन रे प्रभ के शरण विचारो प्रभ के शरण विचारो मन रे प्रभ के शरण विचारो प्रभ के शरण सिमरत बन पासे प्रभ के शरण विचारो प्रभ के शरण विचारो मन रे प्रभ के शरण विचारो प्रभ के सिमरत गन पासे उदरे जय सिमरत गन पासे उदरे काको प्रभ के शरण विचारो प्रभ के शरण विचारो मन रे प्रभ के शरण विचारो प्रभ के शरण विचारो Thank you.
अटल पयो Thank you.
जब ही शरण गही कृपा निध, जब ही शरण गही कृपा निध, जब ही शरण गही कृपा निध, जब ही शरण मन रे
प्रभ के शरण विचारो, प्रभ के शरण विचारो। अजामल पापी जग जाने, अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा, निमक माहे निमक माहे निस्तारा, निमक माहे निस्तारा, निमक माहे निस्तारा, तारा तारा पदानि सारे गरे गागर सारे रे सन सासनी दपम करे सम जामल पापी जग जाने, अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतरे पारा,
उतरै पारा है भी उतरै पारा मन रे प्रभु के नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये शब्द मन रे प्रभु की शरण विचार जह सिमरत गनकासी उदरी ताको जस उरधारो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ये शब्द पढ़ के ख्याल आता है मन में कई लोग पता क्या कहते हैं सात संगत जी हमें ज्ञान चाहिए कहानियां मत सुनाया करो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। आजकल कई लोग ऐसे हैं कहते हैं हमें ज्ञान चाहिए कहानियां मत सुनाया करो। अब ये शब्द ले लो एक एक पंक्ति में एक एक कहानी है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में हजारों कहानियां हैं हजारों साखियां एक एक पंक्ति में एक एक घटना छिपी है। अब किसी बालक को ये कहो जय सिमरत गनका से उदरी ताको जस उधारो तो वो पूछेगा गनका कौन प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। आगे के नहीं कहानी कौन गनका प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे कहानी का मतलब क्या होता है। हम दवाई खाते हैं दवाई डॉक्टर कैप्सूल में डाल के देता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जो खोल होता है कैप्सूल का उसके अंदर दवाई होती है कैप्सूल में कोई ताकत नहीं होती पर कैप्सूल जरिया है दवाई को अंदर पहुंचाने का प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। इसी प्रकार जो कहानी होती है वो जरिया होती है ज्ञान को भीतर पहुंचाने का प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक।
सुननी कहानी पड़ती है, भीतर जाता है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गनका नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं कि मन रे, हे मेरे मन, प्रभु की शरण विचारो। विचारो का भाव यहाँ पर है उसकी शरण में रहकर नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक नाम जपना होता है बिना शरण में रहने के, एक होता है शरण में रहकर। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे, प्रभु की शरण, शरण में आ जा, फिर उसके नाम का विचार कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जय सिमरत गनका से उदरे, जिसे सिमरने से गनका जैसे पापन। बेसवा थी सारा जीवन पाप कमाया था। शॉर्ट में दास बता रहे कई साखियां हैं, सबने सुनी ही होंगी कि महापुरुष मिले, उन्होंने तोता दे दिया कि तोते को राम राम जपाया कर। जपाते जपाते चली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जपा तोते को रही है, उधार उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस राम नाम के सिमरने से गनका जैसी पापड़ उधर गई। नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते हैं तू भी जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया। ध्रुव भगत कैसे अटल पदवी पाई, राम का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब राजबाग नहीं मिला, जाने लगा जंगल में तप करने। पिता ने आवाज मारी मत जा, छोटी उम्र है, जंगल में तप करने आ, मैं तुझे राजगद्दी अभी दे देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वो रुका नहीं, इतना छोटा बालक और सोच इतनी ऊंची, विचार किया कि अब केवल मैंने मन बनाया है कि मैं नाम जपूंगा राम का, और राजगद्दी मेरे पीछे आ गई, अगर मैं जप लूं तो क्या मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं रुका, जपा नाम जाकर अटल पदवी की प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई राजे आए कई गए, पर ध्रुव की पदवी अटल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे, प्रभु की शरण विचारो। जब ही शरण गही कृपा निध गज गराते छोटा। महिमा नाम कहां लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमक माए निस्तारा। अजामल को कौन नहीं जानता, ये एक एक घटना है साथ संगत जी। अब यहां पर थोड़ा विचार करें, ये जितने भी भगत को जीवन आप पढ़ेंगे, चाहे ध्रुव भगत हो, चाहे नामदेव जी हो, चाहे कबीर जी हो, इनके जीवन में दुख बड़े आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अक्सर कहते हैं ना कि ये तो बड़ा नाम जपता है, इसको क्यों दुख आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात बड़ी ध्यान से समझ लेना, जितनी ऊंची अवस्था होती जाती है उतने बड़े इम्तिहान भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी ऊंची किसी की अवस्था होती है उतने बड़े इम्तिहान होते हैं, ये लाजमी है। आम आदमी के विचार ये है, ध्यान देना साथ संगत, दुख का कारण क्या है। आम आदमी के विचार है कि गरीब आदमी दुखी है इसलिए क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, पहनने के लिए पैसे नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं, बेचारा दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अगर ये बात सही होती मान लें तो फिर अमीर क्यों दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके पास तो पैसे हैं हर चीज के लिए, फिर वो क्यों दुखी है। महापुरुष समझाते थे दुख का कारण ये नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये हमारा भ्रम है केवल, बस। दुख का कारण है अज्ञानता, दुख का कारण है दिशाहीन होना, अपनी मंजिल का ना पता होना, सही रास्ते का ना पता होना दुख का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग नींबू मिर्ची को देखकर डर जाते हैं, जो लोग राहु केतु शनि मंगल से डर जाते हैं, वो क्यों डरते हैं, अज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस दिन ज्ञान हो गया फिर आदमी ऐसी चीजें पढ़कर मुस्कुराता है, डरता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष दृष्टांत दिया करते थे, एक अमीर आदमी
और एक गरीब आदमी, दोनों जंगल में से जा रहे हैं। जाते 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 रास्ता भटक गए, दोनों रास्ता भटक गए। अब अमीर के पास बहुत धन है, गरीब के पास नहीं, पर जंगल में धन का क्या काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों भटक रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, रास्ता पता नहीं, दिशाहीन हो गए, प्यास लगी है पता नहीं पानी कहाँ है, थक हार के दुखी हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दोनों के दुखी का कारण क्या है? अपनी मंजिल के रास्ते का ना पता होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। बात को समझना, आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंसान के जीवन में मुसीबत आती क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो इस राज को समझ गया वो मुसीबत को दुख को भी इंजॉय करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, क्योंकि वो दिशाहीन है। जिस दिन सही दिशा का पता चल गया दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े। मन रे प्रभु के शरण बिचारो, प्रभु के शरण बिचारो। मन रे प्रभु की शरण बिचारो, प्रभु की शरण बिचारो। जय सिमरत गन काशी मन रे प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचारो। बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है साथ संगत। एक योगी जिसका कई जन्मों का तप है, कई जन्मों का इतिहास में लिखा है, इतना तप किया है उसने कि उसे शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है, पहाड़ों की कंदरों में बैठा है, पर दुनिया चल चल कर कई दिनों का कई हफ्तों का रास्ता तय करके उसे मिलने आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और शक्ति क्या है उसके पास? कि सारे जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, उनके मन पर काबू पा लेता है और जो चाहे जिससे जो मर्जी करा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
तो बड़े बड़े लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं कि हमारा ये काम करा दो, फलाने आदमी से वो काम करा दो। ये प्रभुता में आकर, अहंकार में आकर सारे काम करता है लोगों के, ताकि लोग उसे दान दक्षिणा भी दें और उसकी पूजा भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन बीतते 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 इसका आखिरी समय आ गया। बैठा है एक दिन, विचार कर रहा है कि सारा ज्ञान है पूरा कि कई जन्मों का तप है इसे। सोच में पड़ गया, इतने जन्मों का तप करके मैंने पाया क्या? मन को शांति नहीं, मन में खुशी नहीं, इतनी शक्ति होने के बावजूद ऐसा क्यों है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक आदमी के पास इतनी शक्ति हो कि किसी के भी मन पे काबू पाकर उससे जो मर्जी करवा ले, फिर भी मन अशांत, मन दुखी, खुशी नहीं मन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसका रोना निकल गया, उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया। अब एक ही बार बार पुकार करता है परमात्मा के चरणों में, कृपा कर कोई रास्ता दिखा, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे इतना ज्ञान हो गया कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, कि इतनी शक्ति पाने के बावजूद भी अगर मैं दुखी हूँ, मन में खुशी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी भूल हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हृदय से पुकार की तो उसके सामने एक चेहरा प्रकट हुआ। कौन था वो चेहरा? तीसरे गुरु नानक, गुरु अमरदास जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। आवाज आई, अगर चाहता है कि तुझे सही दिशा मिले तो आजा हमारे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पहाड़ों से नीचे उतरा, कई हफ्तों का सफर तय कर पहुंच गया गुरु अमरदास जी के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दरबार सजा हुआ है, गुरु अमरदास जी बैठे हैं, संगत बैठी है। ये योगी आया, जैसे गुरु अमरदास जी के दर्शन किए दौड़ कर गया, चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। गुरु अमरदास जी इसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें यह गलत फहमी है कि हमें यह सब मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख कहाँ है आज हमें पता चलेगा, असली सुख है कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहने लगे, कहिए योगी जी, क्या बात है? इतना तप किया, इतना जप किया, पर उसके बदले किया क्या? दुनिया के मन पर काबू? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अपने मन पर तो काबू पा नहीं पाए, दुनिया के मन पर काबू? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। योगी रो पड़ा, कहने लगा, मुझे बात समझ में नहीं आती, इतने जन्मों की भक्ति, इतनी शक्तियां मेरे पास, फिर मेरा मन खुश क्यों नहीं है, प्रसन्न क्यों नहीं है? यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी की वो घटना याद आ जाती है साथ संगत जी। जब बाबा नंद सिंह जी ने भक्ति करनी शुरू की, बाबा मार नाम सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे, एक रात भक्ति कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, अचानक आवाजें आई, कोई सेवा दो, कोई सेवा दो, कोई काम दो। आंखें खोली तो हाथ जोड़कर कई शक्तियां खड़ी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि हमें कोई सेवा दो। बाबा नंद सिंह जी परेशान हो गए कि नाम नहीं जपने दे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे, आप कौन? कहने लगे, हम निरंकार की शक्तियां हैं, हमें निरंकार ने हुक्म दिया है कि आपके पास जाओ, जो ये कहें वो करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप इशारा दो, किसी को खत्म कर दे, आप इशारा करो, इसको सवार दे, जो आप करो किसी काम कर सकते। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, काम करो, कल आना, आज का दिन जाने दो, कल आना। शक्तियों को हुक्म दिया, चली गई। उसी वक्त बाबा नंद सिंह जी उसी वक्त दौड़ पड़े बाबा महार नाम सिंह जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? इस योगी को दिशा का ज्ञान नहीं, सही क्या है गलत क्या है, बाबा नंद सिंह जी को ज्ञान था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाके कहने लगे, महापुरुषो ऐसे हुआ है, मैं नाम जप रहा था, ऐसे शक्ति आके खड़ी हो गई। तो बाबा महार नाम सिंह जी कहने लगे, फिर क्या हुआ?
यही तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, जप तप करके यही तो चाहिए होता है। तुम्हें मिल गई, तुम खुश हो, यहाँ पर क्यों आए हो? बाबा नंद सिंह जी ने हाथ जोड़ दिया, कहने लगे मुझे ये नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे किसी का संवारना किसी का बिगाड़ना नहीं है, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। तो बाबा महानंद सिंह जी मुस्कुरा के पूछने लगे तुझे क्या चाहिए? कहने लगे मुझे इन शक्तियों का मालिक गुरु नानक चाहिए, इन शक्तियों का मालिक गुरु नानक चाहिए मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु अमरदास जी ने की, तूने शक्तियां पाली, शक्तियों के मालिक को भूल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक उसे नहीं पाएगा तेरा मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता, दुखी रहेगा। जितनी ज्यादा शक्तियां पाएगा उतना ज्यादा दुखी होगा। जब तक शक्तियों के मालिक को नहीं पा लेता दुखी रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है सात संगत जी, तो योगी ने हाथ जोड़ दिए पाछा क्या करो? तो गुरु अमरदास जी ने कहा अब तू अपने श्वास ऊपर चढ़ाकर शरीर का त्याग कर दे, श्वास ऊपर चढ़ाकर शरीर का त्याग कर दे, हम तुझे वचन देते हैं कि तुझे अपने घर में जन्म देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने घर में जन्म देंगे जहां पर तुझे बचपन से ही नाम सिमरन से जोड़ा जाएगा और इस जन्म में आकर तू प्रभु को प्राप्ति करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है गुरु अमरदास जी के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम मोहन जी और छोटे बेटे का नाम मोहरी जी। छोटे बेटे के घर में एक बेटे ने जन्म लिया, गुरु अमरदास जी ने उसे अपनी गोद में लिया, कहने लगे ये वही योगी आया है जिसने श्वास ऊपर चढ़ा दिए थे, अब ये गुरबाणी से जुड़ेगा, नाम से जुड़ेगा और प्रभु की प्राप्ति करेगा। भाई मोहरी जी के बेटे का नाम रखा गुरु अमरदास जी ने आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात यहां पर समझने की ये है साथ संगत जी कि जिन चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं कि इसमें सुख है उसमें सुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना, बिना हरि के भक्ति के सुख नहीं मिल सकता। और वाणी कहती है अगर तुझे सुख चाहिए तो मन रे प्रभु की शरण विचारो, उसकी शरण में आके नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचारो। जय सिमरत गण काशी उदरी, जय सिमरत गण काशी उदरी, मन रे प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी आप लोगों ने एक बात महसूस की कि शाम के वक्त मन उदास होता है हर एक का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे कितना भी सुखी इंसान हो एक खालीपन सा महसूस होता है, कई बार ऐसे होता है। शाम के वक्त तो ज्यादा होता है, बाकी सुबह दोपहर कभी भी हो सकता है। इसकी वजह क्या है? महापुरुष समझाया करते थे इसकी वजह है
कि परमात्मा याद कर रहा है तुम्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा पॉइंट आज का ये है कि दुख क्यों आते हैं। बड़े ध्यान से समझना साथ संगत। जो नाम जपते हैं उन्हें दुख ज्यादा आते हैं, क्यों? इस बात को बड़े मन एकाग्र करके सुनना साथ संगत। मिट्टी कहती है कि मुझे कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है, घड़ा जा रहा है, और उसके बाद भट्टी में झोंक दिया है जलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब जल कर बाहर निकलती है भट्टी में से, तो मटके का रूप ले लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उस मटके को रखा जाता है ऊंचे स्थान पर, कई लोगों की प्यास बुझाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक मिट्टी थी कोई कीमत नहीं थी, मसला गया, कुचला गया, भट्टी में झोंका गया, अब उसकी कीमत पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो दुख आते हैं हमें घड़ने के लिए आते हैं। एक किसान ने परेशान हो गया, फसल उगाता हूँ, काफी फसल खराब हो जाती है, कभी भी अंधेरी आ जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी ज्यादा कभी कम, काम करना होता है दोपहर को, खेतों में इतनी कड़क धूप होती है, छांव हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज परेशान होकर मंदिर में जाता है, भगवान को ताने मारता है कि भगवान है तो तू भगवान, पर तुझे खेती बाड़ी का थोड़ा भी ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार मुझे ताकत दे दे एक साल के लिए, मौसम विभाग की ताकत, कि मैं जब चाहूं बारिश हो, मैं जब चाहूं धूप निकले, तो फिर देखो कैसी खेती होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर कितनी फसल बर्बाद हो जाती है। एक दिन भगवान तंग आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रकट होके कहने लगे, भाई तू क्या कहता है? कहने लगा, आप भगवान हो मानता हूँ, आप धन्य हो, पर आपको खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं। एक साल के लिए ताकत मुझे दे दो मौसम की, जैसे मैं चाहूं वैसे हो। भगवान कहने लगे, ठीक है एक साल के लिए ताकत तुझे दे, अब तू फसल उगा के दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसान कहने लगा, अब देखते रह जाओगे कि कैसी फसल होती है, पहले से कई गुना अच्छी। अब किसान के हाथ में ताकत है, गेहूं की फसल बो दी, गेहूं की फसल बो दी, अब जब चाह बरसात करा दी, तूफान तो उसने आने ही नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोपहर के वक्त काम करने जाता है तो धूप को गायब कर देता है, छांव कर देता है, धूप आने ही नहीं दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बरसात जब वो चाहे, हवा तो उसने आने ही नहीं दी ताकि थोड़ी भी फसल खराब ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब समय आया फसल कई गुना बढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई फुट ऊंची पहले से। किसान बड़ा खुश कि आज भगवान को बताऊंगा मैं इतना फर्क होता है, मुझे ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब फसल काटने गया, फसल काटा तो सर पे हाथ रख के बैठ गया, क्योंकि फसल बड़ी तो हुई है पर अंदर गेहूं के दाने हैं ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खोखली है सारी फसल, भगवान को ताने मारने लगा, यह तुमने किया है, कि यह तुमने किया है, मैंने तो फसल अच्छी उगाई थी, अंदर दाने कैसे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहने लगा, नहीं भाई तू समझा नहीं, ये जो मैं बारिश अचानक करता हूँ, ये जो मैं आंधी तूफान भेजता हूँ, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हवा तेज चलती है तो यही फसल अपनी जड़ें और अंदर डालती है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उससे उसको ताकत मिलती है। जब हवा तेज चलती है तो दाने अपने फसल को पकड़ लेते हैं, उससे उनमें मजबूती आती है। जब धूप आती है तो वो दाने पकते हैं। ना तूने धूप आने दी, ना तूने हवा आने दी, तो तेरी फसल बनेगी कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ लो। ये जो दुख हमारे जीवन में आते हैं हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अगर ये दुख ना आए हमारे जीवन में, हम तो कुछ बन ही ना पाए, कुछ भी ना बन पाए।
आज तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं दास अक्सर ये बात कहते हैं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ लो, ऑटोबायोग्राफी, जितने भी बड़े लोग जिन्होंने कुछ काम किया है बड़ा, उनके पीछे कारण क्या है? दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पहले मैं इतना दुखी था, कुछ नहीं था, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, फिर मैं ये बना। क्यों बना? दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जितने यहाँ बैठे हैं अपने अंदर झांको, क्यों बैठे हैं? बहुत विरले होते हैं जिन पर गुरु की कृपा हो, जो गुरु से प्रेम के लिए आते हैं, ज्यादातर तो दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है ना, क्योंकि प्यार से तो कोई आता नहीं, आओ अमृत वेले आएंगे भाई साहब, पर जब कोई दुख आता है, मानो बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब जाते हैं महापुरुषों के पास, कोई रास्ता बताओ, महापुरुष कहते हैं भाई अमृत वेले उठ नाम जप, आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी इसे प्रमाणित करती है। गुरु नानक पाशाह कहते हैं, केतियां दुख भुख सद मार, किसको दुख देके किसको भूख देके अपने पास बुलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो दुख जिसे पाकर कोई अमृत वेले से जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए वाणी में कहा है, दुख दारू सुख रोग भया, जिस सुख की वजह से गुरु भूल जाए, अमृत वेला छूट जाए, वो सुख तो रोग है, और जिस दुख की वजह से गुरु याद आ जाए, अमृत वेला बन जाए, वो दुख दारू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे प्रभु की शरण बिचार। मन रे प्रभु की शरण बिचारो, प्रभु की शरण बिचारो। मन रे प्रभु की शरण बिचारो, प्रभु की शरण बिचारो। जय सिमरन काशी उदरी, जय सिमरत कन काशी उदरी, काको जसूर तारो, काको जसूर तारो। मन रे प्रभु की शरण बिचारो, प्रभु की शरण बिचारो। मन रे प्रभु की शरण बिचारो, प्रभु की शरण बिचारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। टीचर विद्यार्थी को पढ़ाता है, सर पे खड़े होकर पढ़ाता है, एक एक सवाल का जवाब बताता है, चाहे जितनी बार विद्यार्थी पूछे टीचर बताता है इस सवाल का ये जवाब है, पूरा साल सिखाता है साथ सिखाता है। ध्यान से समझना बात को कि दुख आते क्यों हैं। टीचर पूरा साल विद्यार्थी को पढ़ाता है, एक एक सवाल का जवाब देता है, सामने खड़ा रहकर एक एक सवाल का जवाब देता है, जितनी बार पूछे उतनी बार बताता है, फिर एक दिन इम्तिहान लेता है, और जिस दिन इम्तिहान लेता है सामने खड़ा होकर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सामने खड़ा होता है पर कोई मदद नहीं करता उसकी, क्यों? सारा साल पढ़ाया है, अब तेरा इम्तिहान है, और इसी इम्तिहान ने उसे गढ़ना है, उसकी शख्सियत को बनाना है, इसी इम्तिहान ने उसे डिग्री दिलानी है, उसे कामयाब बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो भगत होते हैं, जो नाम जपते हैं सारा जीवन सारा समय गुरु की हजूरी में एक एक बात सीखते हैं, हम क्या कर रहे हैं रोज सीखते हैं कि करना क्या है, जीवन में कैसे चलना है, दुख आए तो क्या करना है, सुख आए तो क्या करना है, एक एक पहलू गुरु साहब जी हमें समझाते हैं वाणी के आधार पे। अब
जब इतनी देर सिखाने के बाद गुरु का वक्त आता है इम्तिहान लेने का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसे अगली पौड़ी चढ़ाना है, अगली सीढ़ी चढ़ाना है, उसे भगत को अगली अवस्था देनी है, इम्तिहान लेता है। उसी भगत की जिसके मन में ख्याल आए उसका फुरना पूरा करता है अरदास, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख तेजो बोले, यहाँ वहाँ साचो है। उसी भगत की बात वो कभी टालता नहीं, पर जब इम्तिहान लेता है पास में खड़ा होता है, पर इम्तिहान में डालने के बाद कोई मदद नहीं करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ये इम्तिहान है, जब हमारे जीवन में दुख आए समझ लेना अमृत वेले उठ रहे हो, नाम जप रहे हो, नित्यनेम पक्का है, अब दुख आया है समझ लेना गुरु नानक इम्तिहान ले रहा है इस वक्त। अब आपकी कोई अरदास भी कबूल नहीं होगी उस वक्त, क्योंकि इम्तिहान है। अब वो देखना चाहता है कि क्या सीखा है इसने अभी तक। दुख में गलत रास्ता इख्तियार करता है, नास्तिक हो जाता है, बेमुख हो जाता है, या जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और 99% लोग इसमें फेल हो जाते हैं साथ में। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को फेल होते देखा है, इसलिए डर लगता है। कबीर जी कहते हैं, कबीर मान न कीजिए रंक न हसी है कोई, अजेता नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी गुरूर नहीं करना कि मैं इतना ऊंचा पहुंच गया, पता नहीं कब कब इम्तिहान आ जाए और हम फेल हो जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए, डर के। अगर इंसान के जीवन में दुख ना आए इंसान इंसान ही ना बने। ये दुख उसे घरते हैं, ये दुख ही है जो एक अहंकारी आदमी के अहंकार को खत्म करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ताकतवर आदमी हो जिसकी हर जगह पहुंच हो, ऐसा दुख आ जाता है कि उसकी पहुंच काम नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भागता है यहाँ वहाँ, फिर उसे ज्ञान होता है कि ये तो मेरा भ्रम था कि मैं ताकतवर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। अब विनम्रता में आ गया, अब विनम्रता में आके जब पुकार करता है गुरु सहायता करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभिमानी के अभिमान को तोड़ने के लिए दुख आता है, अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए दुख आता है, क्योंकि बिना दुख के वो इंसान बनता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी हम ये शब्द पढ़ रहे हैं, मन रे प्रभु की शरण बिचारो। शरण का भाव समझना, शरण का भाव होता है जो अपने अहंकार रहित होकर नाम जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अहंकार के साथ रह के शरण नहीं मिलती। ये जो पंक्तियां हैं जो हम पढ़ रहे थे, इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है, आओ एक बार पढ़ लेते हैं। जब ही शरण गही कृपानिध, जब ही शरण गही कृपानिध, गज कराते छूटा, गज कराते छूटा, जब ही शरण गही कृपानिध, जब ही शरण गही कृपानिध, गज कराहते छूटा, गज कराहते छूटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराते छूटा है। ये घटना सारे वेदों सारे शास्त्रों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो कई बार आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई गुरुदास जी की वारों में भी ये घटना आई है कि हाथी तालाब में पानी पीने गया है, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। अब हाथी को अभिमान है अपनी ताकत पर, मैं इतना बड़ा इतना ताकतवर कि आराम से मगरमच्छ को खींच के बाहर ले आऊंगा, अपने सारा जोर लगा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
पर पानी का जानवर है मगरमच्छ, उसकी ताकत पानी में ज्यादा है। हाथी को खींचते जा रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु, एक तरफ हाथी जोर लगा रहा है, एक तरफ मगरमच्छ। हाथी की ताकत काम नहीं आ रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथी अंदर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। अब आखिर में उसकी केवल सूंड बाहर रह गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब अभिमान खत्म हो गया अपनी ताकत का, अहंकार खत्म। ऐतिहासिक घटना है, उस हाथी ने एक फूल तालाब में से तोड़ा जो कमल के फूल होते हैं, और प्रार्थना की है, भगवान अब तू ही बचा ये मगरमच्छ, मुझे छोड़ेगा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जैसे ही विनम्रता से बेनती की, शरण में आ गया। जब तक अहंकार था, डूब रहा था, अब शरण में कैसे आ गया, अहंकार खत्म हो गया कि मेरी ताकत तो है ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब शरण में आ गया, शरण में आके अरदास की कि हे भगवान मुझे बचा। उसी वक्त इतिहास में लिखा है, विष्णु भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन से मगरमच्छ का सर काट दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हाथी की रक्षा की। और यही बात कह रही है ये वाणी, जब ही शरण गई कृपा निध, गज गज कहते हैं हाथी को, ग्राह थे छूटा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मगरमच्छ के मुंह से वो छूट गया, कब, जब वो शरण में आ गया। शरण का भाव, जब उसका अहंकार खत्म हो गया। हम अक्सर कहते हैं गुरु हमारी अरदास नहीं सुनता, अगर अरदास में अहंकार है तो अरदास कभी कबूल नहीं होगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे प्रभु की शरण बिचारो, जब भी दुख आए साथ संगत जी। जो दुख आपको शराब के ठेकों में ले जाए, बेसवा के कोठे पे ले जाए, समझ लेना वो कर्मों का दुख है, भोग रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन। पर जो दुख गुरु के चरणों में ले आए, सेवा में ले आए, सिमरन से जोड़ दें, वो दुख गुरु नानक का भेजा हुआ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए जब दुख आए तो मुस्कुराओ और सोच में बैठ जाओ, अगर नितनेम पक्का है कि ये गुरु नानक इम्तिहान ले रहा है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, सिख गुरु को अपने आप को सौंप दे, जब दुख आए ना, इम्तिहान होता है साथ साथ दुख में ना, दिमाग काम नहीं करता। कोई आके कहता है ना फलाना बाबा आया वहाँ चलो, आदमी फटाफट चलता है कि शायद ठीक हो जाए, पर उस वक्त ये भूल जाते हैं कि गुरु को पीठ दे रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरु को मुख रखते हैं वो कह देते हैं, राख प्रभु पावे मार, मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू दुख में रख चाहे तू सुख में रख, तो उसी वक्त दुख दूर कर देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे प्रभु की शरण बिचारो, मन रे प्रभु की शरण बिचारो, प्रभु की शरण बिचारो, मन रे प्रभु की शरण विचार, प्रभु की शरण विचार, मन रे प्रभु की शरण विचार, प्रभु की शरण विचार, मन रे मन रे
संगत मन रे प्रभु की शरण विचार